आपके यहाँ पर 14 दिसंबर को वोटिंग होनी है, क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे आपके हैं यहाँ पर, के मुद्दे क्या है मुसलमानों के खास? यहाँ ये लोग कोई को लोन नहीं दिलाना और कोई को नौकरियाँ नहीं दिलाना जी, और लोगों को आर्थिक नाकाबंदी करना, लोगों को मतलब जेलों में डालना और छोटे बड़े उद्योगों को बंद कराना, जैसे छोटे दुकानदार हैं, ये GST है, नोटबंदी है, सब 80% लोगों को पेट पे लाती लगी है अभी 2-3 साल से भाजपा की वजह से, इसलिए सभी नाराज़ हैं, छोटा उद्योग और बड़ा उद्योग दोनों नाराज़ हैं, सभी नाराज़ हैं, इसलिए इस बार ये लोग हार सकते हैं भाजपा वाले। मुसलमानों के क्या मुद्दे हैं? हमारे मुसलमान भाइयों की एक ही समस्या है, बस हमारी गरीबी को हटाओ बराबर और हमारी कांग्रेस को लाओ, और हमारी जो भाजपा है, जो चोर भाजपा है, उसको हटाओ और उसको हटा के हमारी कांग्रेस को लाओ, जो हमारी गरीब बस्ती है उसको और गरीब करती जा रही है, ये भाजपा जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों को और खोखला कर रही है। मोदी जी के हिसाब से तो मुसलमानों को तो बहुत परेशानी है, ठीक है, वो मुसलमानों को तो इतनी सारी परेशानियां उसने डाल दी है कि ना नौकरी देता है, धंधे पानी से मार रहा है, बस एक ही बात करता है, रोड है, गटर है, ब्रिज है, वो है, वो है, फलाना लूंगा, शौचालय नहीं है, वो शौचालय नहीं है, उसकी सोच तो यानी समझ लो ने कि जैसे वो काम में अठरों की जरूरत है, वो अलग ही सोच है उनकी, और जो उनकी सोच है उनकी सोच के अंदर जो मुसलमान कोई सहमत नहीं है। क्या क्या समस्या है यहाँ पर मुसलमानों की, क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ मुसलमानों की? समस्या ये है कि जब से GST लागू करा है जी, जब से मुसलमानों की समस्या और बढ़ गई है, सब धंधे पानी कोई कहे नहीं जी, सब धंधे से जो है वो हो गए। नोटबंदी के बाद क्या हालात हुए थे? अरे नोटबंदी के बाद तो ये हुआ है कि लोगों को घर में खाने के पैसे नहीं है जी, और जो नोटबंदी से लोग हैं ना धंधे में बहुत परेशानी आई है जी, और बहुत मतलब परेशानी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार जाएगी इस बार ये इलेक्शन गुजरात का, क्योंकि जो माहौल ABVP के गुंडों और बदमाशों ने जो पहले से ही बना रखा है पूरे देश में, वो सब हम सबको पता है, तो उसका असर तो यूनिवर्सिटी में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि जो यूनिवर्सिटी का मूड है वो पूरे देश का मूड है, और मैं तो श्योर हूँ कि इस बार कांग्रेस जीत जाएगी गुजरात से, और गुजरात के बाद फिर कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो सेक्युलर आइडियोलॉजी है, जो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है, और जिसपे ABVP का जो पहले से ही रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना और ये फैब्रिक हमें निकालना ही है, तो ये जो कम्युनल हारमोनी मेंटेन किए हुए हैं गांधी जी के टाइम से, और जिस कम्युनल हारमोनी के लिए हमारे बड़े बड़े लीडरों ने कुर्बानी दे दी है, तो उस कुर्बानी के लिए यहाँ का जो नागरिक है, यहाँ का जो यूथ है, वो आज जान चुका है कि भाई ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है इनका क्या मकसद है, कि इनका मकसद देश को जोड़ना नहीं देश को तोड़ना है। तो मुझे लगता है कि जो यूनिवर्सिटी का मूड है वो हर एक नागरिक का मूड है, और यहाँ से तो BJP हार ही जाएगी, ABVP तो हार ही गई है, जो ABVP का जो सपोर्ट रहा है कि जो पूरे संघ परिवार आके एक साथ मिलके जो ये बदमाशी का माहौल पूरे देश में बना रहे हैं, तो आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो यहाँ का मूड है वो पूरे देश का मूड है। सारे हिंदू मुस्लिम भाई सारे मिलकर के एक रहें, और गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान की उसको बरकरार रखें, आपस में ना इत्तफाकी ना फैलाएं, ये पॉलिटिशियन जो है हमें आपस में लड़ा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करें। हम सदियों से जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले जब तक हिंदुस्तान की सभ्यता कायम हुई है तब से लेकर अब तक भाईचारे से रहें और ऐसे ही रहते रहें, और जो फ़िरकाप्रस्ती ताकतें हैं उनको समझें और उनका कतई साथ ना दें, और हमें सबको मिलकर एक अच्छे भारत के निर्माण की ज़रूरत है, निर्माण करना है।